दोस्तों नमस्कार, जोहार। कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस समय की सबसे बड़ी चर्चा के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। आपको बता दें कि सियासत में कुछ भी कंफर्म नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता है। जिस तरह से कहावत है ना कि ना दोस्ती ना दुश्मनी स्थायी होती है, उसी तरह से किसी नेता के द्वारा दिया गया बयान भी क्या सही है या गलत, ये समय काल परिस्थितियों पर निर्भर करता है। और फिलहाल बात करें राज्यसभा चुनाव की, तो एक नाम जो बीजेपी खेमे से कंफर्म माना जा रहा है और वो नाम है उपेंद्र कुशवाहा का। लेकिन अब चर्चा ये तेज है कि क्या वाकई उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी अपने कोटे से राज्यसभा भेज रही है। जी हाँ, और चर्चा की वजह यह है कि जो प्रक्रिया होती है राज्यसभा चुनाव को लेकर, उस प्रक्रिया को लेकर बीजेपी खेमे में अभी किसी तरह की कोई हलचल नहीं देखी जा रही है। हम उस प्रक्रिया के बारे में आपको बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि क्या वाकई उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जा रहे हैं या कहीं ना कहीं राज्यसभा जाने के उपेंद्र कुशवाहा के सपने पर ग्रहण लगता दिख रहा है। तो पहले प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। तो हम जिस प्रक्रिया की बात कर ले रहे हैं, वो प्रक्रिया किसी भी दल में किसी भी व्यक्ति के राज्यसभा चुनाव के साथ अगर जुड़ी होती है बात, तो उस प्रक्रिया का पालन किया जाता है। और जो सूत्र बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बीजेपी खेमे में किसी तरह की कोई हलचल नहीं है, जो आम प्रक्रिया है कि उम्मीदवार की घोषणा अगर पार्टी करती है तो उससे पहले चुनावी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। और चूंकि भाजपा की हम बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी के संविधान के अनुरूप ही कोई भी फैसला लेती है, और उम्मीदवार का नाम घोषणा करने से पहले जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया है केंद्रीय चुनाव समिति, प्रदेश भाजपा चुनाव समिति से नाम की अनुशंसा करने की बात करती है। इसके बाद प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होती है जिसमें नामों पर विचार किया जाता है, कुछ नाम के विकल्प फाइनल करके केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाता है, केंद्रीय चुनाव समिति फिर बैठक करती है और उन कुछ नामों के विकल्प में से जितनी सीटें होती है उस अनुसार नाम फाइनल करती है। तो फिलहाल एक सीट की अगर हम बात करें तो क्या उपेंद्र कुशवाहा का नाम फाइनल किया जाएगा, इसको लेकर समय बहुत कम है। 12 अगस्त को नोटिफिकेशन हो जाएगा और 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है, यानी कि 21 अगस्त के बाद उपेंद्र कुशवाहा को लेकर या फिर किसी भी व्यक्ति को लेकर कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो उससे पहले क्या ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, ये बड़ा सवाल है। अब तक जो आपको बता दें कि अधिसूचना चुनाव आयोग ने जारी की है, उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति प्रदेश से अब नाम मांगेगी। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में नामों के विकल्प को केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा और ये पूरी प्रक्रिया होनी अभी बाकी है। यानी कि केंद्रीय चुनाव समिति ने राज्य चुनाव समिति से नाम अब तक मांगा भी नहीं है। दूसरा बड़ा अवरोध जो उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा जाने के दौरान नजर आ रहा है कि वो उनके रास्ते की रुकावट बन सकता है, वो है नीतीश कुमार। चूंकि नीतीश कुमार के साथ उनके सियासी तालमेल अच्छे नहीं रहे हैं, परिस्थितियां ऐसी बनी कि उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी छोड़नी पड़ी। पार्टी छोड़कर उपेंद्र कुशवाहा ने अलग अपना मोर्चा बनाया, अपने संगठन के साथ चुनाव में गए और वहां भी एनडीए गठबंधन के साथ ही गए। नीतीश कुमार की तारीफ जरूर उन्होंने की, नीतीश कुमार को अपना सहयोगी जरूर माना, लेकिन जो क्या पुरानी नाराजगी है, अगर मौका मिलेगा तो उस नाराजगी का बदला नहीं लिया जाएगा, ये कहा जाना मुश्किल है। नीतीश कुमार पर निर्भर करता है कि वो उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर सहमत होते हैं या नहीं। जी हाँ, ये बहुत आवश्यक है। गठबंधन धर्म और सदन में जेडीयू की 12 सांसदों की जो ताकत है, ऐसे में बीजेपी जेडीयू या नीतीश कुमार की इच्छा को इग्नोर नहीं करेगी। तो 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव को 14 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। 22 अगस्त को स्क्रूटनी होगी और अगर जरूरत पड़ी तो 3 सितंबर को चुनाव होंगे। शाम 5 बजे तक 3 सितंबर को नाम
जीतने वाले प्रत्याशी के घोषित कर दिए जाएंगे। तो आप इन परिस्थितियों को देख रहे हैं, इन परिस्थितियों के आधार पर हम जो चर्चा का बाजार गर्म है उससे आपको रूबरू करा रहे हैं। क्या ये गर्माहट उपेंद्र कुशवाहा महसूस कर रहे होंगे, क्या उपेंद्र कुशवाहा असहज महसूस कर रहे होंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करें। क्या आपको अभी भी लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के राज्यसभा चुनाव जीतने या लड़ने या फिर बीजेपी के समर्थन से चुनाव में उतरने की जो संभावना बनती दिख रही है उस पर अभी भी कुछ संशय के बादल मंडरा रहे हैं? संभावना इसलिए क्योंकि तब जो बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी थे उन्होंने ये कह दिया था, मीडिया के सामने बयान दिया था, आधिकारिक तौर पर या पार्टी के फोरम पर उन्होंने कुछ नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज नहीं है, नाराजगी की कोई आवश्यकता भी नहीं है, पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजेगी। लेकिन वही है, परिस्थितियां बदल चुकी है, सम्राट चौधरी अब वो सम्राट चौधरी नहीं रहे, यानी कि जिस आधार पर, जिस पद के आधार पर उन्होंने बयान दिया था अब वो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। तो ऐसे में क्या वो अपनी बात मनवाने के लिए संगठन पर दबाव बना सकते हैं? ये भी दिलचस्प स्थिति बनती दिख रही है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करें। क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ कोई गेम तो नहीं होने वाला है, कोई खेला होने वाला है क्या? कशिश न्यूज को देखते रहें और पर्दे के पीछे के इस तरह के सियासी चर्चा के लिए हमारे साथ बने रहें। कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें, इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब अगर हमने आपको नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, नमस्कार।